Hi friends, welcome to my channel Learn What You Understand as for BEF 7th. Today we are going to do MA second lesson analysis and interpretation of accounts part 12 question 11. So let's continue. The following balance appear in the books of MS Bhushan for the year ended 31st March 2017. You are required to prepare a revenue statement in a vertical form. Okay, so hum logo yahan pe kya bhi hai? ट्रायल बैलेंस टाइप कुछ दिया हुआ है. ओके, सो यहाँ पे हम लोग बड़ा पुट ऑन करेंगे कौन सी चीज कहाँ पे जाएगी. ओपनिंग स्टॉक दैट इज योर COGS, ठीक है. नेट प्रॉफिट बिफोर बैलेंस फ्रॉम पास्ट ईयर या फिर प्रीवियस ईयर. सो यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस चल जाएगा. ऑफिस रेंट दैट इज योर एडमिन. कैरियज इनवर्ड कहाँ पे चला जाएगा आपका, ये कैरियज इनवर्ड COGS. जनरल रिजर्व आपका अप्रोप्रिएशन में चला जाएगा. वेजेस COGS. ऑक्टुअरी COGS. ऑफिस स्टाफ सैलरी एडमिन. ऑडिट फेज एडमिन. एडवर्टाइजमेंट सेलिंग. फाइनेंस एक्सपेंसेस तो आपका ये चला जाएगा फाइनेंशियल चार्जेस में. FC लॉस ऑन सेल ऑफ असेट आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस डेप्रिसिएशन, ये COGS, ये एडमिन, ये सेलिंग. ओके, सेल्स रिटर्न सेल्स में से लेस हो जाएगा. प्रॉफिट ऑन ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम. लॉस बाय फायर ये भी आपका क्या है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गया. क्लोजिंग स्टॉक COGS. परचेस COGS. एडमिन टैक्स में से लेस हो जाएगा. सेल्स आपका. डिविडेंड ऑन शेयर्स हेल्ड तो ये आपका डिविडेंड रिसीव कर रहे हो आप, तो ये आपका कहाँ पे चला जाएगा, नॉन ऑपरेटिंग इनकम में चला जाएगा, ठीक है. कैरियज आउटवर्ड सेलिंग में जाएगा. वेयरहाउस एक्सपेंसेस भी सेलिंग में. इम्पोर्ट ड्यूटी आपका कहाँ पे चला जाएगा, COGS. ओके, सो यहाँ पे हमारा वर्किंग नोट नंबर 1 है COGS का. इसमें पहला पार्ट हमारा होता है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का, ठीक है. उसमें क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक, परचेस हो जाता है, ऑक्ट्राय, इंपोर्ट ड्यूटी और क्या होता है आपका यहाँ पे, फिर लेस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है. ये होगा आपका टोटल रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड. इसमें सेकेंड पर आपका आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस का. सो यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपके पास क्या है, फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस दैट इज योर वेजेस. वेजेस के बाद आपके पास क्या है, कैरियज इनवर्ड. एक्चुअल में कैरियज इनवर्ड इधर ही आ जाएगा, बट कोई नहीं, हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, ऐड ही करना है ना हम लोग को, ठीक है. कैरियज इनवर्ड हो गया. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट. और कुछ है हमारे पास, हमें ले लिया 3 चीज से प्लांट का ले लिया. ओके, सब हम अमाउंट पुट ऑन करते हैं सबके. सो हियर यू कैन सी मैंने सारे अमाउंट पुट ऑन कर दिए. मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम का टोटल अमाउंट कितना है, 218,000. वेयर्स डायरेक्ट एक्सपेंसेस का टोटल अमाउंट कितना है, इट इज 107,000. अब हमारा टोटल COGS मिल जाएगा हम लोग को, इधर आ जाएगा 107,000. ओके, यहाँ पे टोटल COGS मिलेगा, दोनों को ऐड कर दो, टोटल होता है 325,000. ओके, ये होगा 325,000. अब हम लोग करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. इसमें पहला आता है आपका एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, तो एडमिन एक्सपेंस. इसमें आपके पास क्या क्या है, ऑफिस रेंट, ऑफिस स्टाफ सैलरीज, ऑडिट फीस,
नेक्स्ट इज योर पोस्टेज एंड टेलीग्राम टेलीग्राम्स एंड लास्ट इज योर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर फर्नीचर का डेप्रिसिएशन। इस सब का मिलेगा आपका टोटल एडमिन एक्सपेंस। ओके, इसी में नेक्स्ट पार्ट आपका क्या है, सेलिंग एक्सपेंसेस। इसमें आपको मिलता है एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजमेंट कैरिएज आउटवर्ड कैरिएज आउटवर्ड। व्हाट एल्स, वेयरहाउस एक्सपेंस एक्सपेंस एंड लास्ट इज योर डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन। यहाँ पर मैंने अमाउंट भी लिख दी है, हमारा टोटल एडमिन एक्सपेंस कितना होता है, इट इज 86,000। यहाँ पे आ जाएगा 86,000। टोटल सेलिंग एक्सपेंसेस हमारा कितना है, 49,000। तीनों को ऐड करो, इट इज गोइंग टू बी 1,60,000। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे यहाँ पे वर्टिकल रेवेन्यू स्टेटमेंट या इनकम स्टेटमेंट पे। सेलिंग हमारे पास कितना दिया हुआ है, 6,20,000। इसमें से हमारा 20,000 रिटर्न का अमाउंट है, लेस कर देंगे तो आपके पास कितना बचेगा, 6 लाख रुपीज। ठीक है, लेस COGS अमाउंट कितना था, 3,25,000। लेस कर दो आपको मिलेगा 2,75,000। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपका कितना है, 1,60,000। लेस कर दो आपको मिलेगा 1,15,000। इंटरेस्ट आपका क्या है, इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ आपको, नील है तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट भी सेम अमाउंट आएगा, 1,15,000। एड नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम आपके पास दो है। सो हमारे पास दो चीज़ें, एक इनकम में प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड्स ऑन शेयर अमाउंट 5,000 एंड 25,000। टोटल इट इज योर 30,000। ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में लॉस ऑन सेल ऑफ असेट एंड लॉस बाय फायर अमाउंट कितने, 30,000 एंड 5,000। 30,000, 5,000, 35,000। ओके, लेस करना है आपको तो ये होगा आपका 1,10,000। टैक्स आपको दिया हुआ है, टैक्स इनकम टैक्स का कितना है, 30,000। लेस करना है, इट इज गोइंग टू बी 80,000। यहाँ पे आ गया 80,000। आपको प्रॉफिट भी दिया हुआ है, कितना दिया है, 60,000। तो आपको ऐड करना है, कितना हो जाएगा, 1,40,000। आपका एप्रोप्रिएशन आपको दिया हुआ है कितना, जनरल रिजर्व रिजर्व अमाउंट कितना है, 75,000। तो यहाँ पे आ जाएगा 75,000। आप लेस करोगे आपको मिलेगा 65,000, विच इज योर रिटेन्ड अर्निंग। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड। Thanks for watching. Please like, share and subscribe.